YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी गिरावट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, कभी भी आपको किसी से लोन लेकर, उधार लेकर के, किसी से कर्ज लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे आप आगे चलकर के एक बड़ी परेशानी, एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए हमेशा आपके पास जो भी सेविंग्स है, उस सेविंग्स को ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला स्टॉक्स है वो है शीला फोम लिमिटेड। काफी बेहतरीन ये स्टॉक्स है। सबसे पहले हम चार्ट की यहाँ पर बात करते हैं। देखिए चार्ट काफी सॉलिड रहा है। यहाँ पर 2020 के पैंडेमिक में ये जो स्टॉक्स मिल रहा था गिरावट में, मात्र यहाँ पर देखिए काफी कम प्राइस में मिल रहा था, मात्र 1200 के नीचे मिल रहा था और अभी जा चुका है 3170 रुपीज के ऊपर। तो काफी जबरदस्त यहाँ से रिटर्न है और देखिए ये अपने कभी भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ से हम देख रहे हैं पैंडेमिक से, पैंडेमिक में जो लो था उस लो के आसपास यहाँ पर फिर से आया अक्टूबर में, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया। फिर यहाँ से स्टॉक जबरदस्त रैली करता है और यहाँ पर देखिए अपना हाई बनाया लगभग 2400 का और वहां से फिर से गिरावट आता है और ये लगभग 1950 रुपीज के आसपास आया स्टॉक्स, फिर से यहाँ जबरदस्त मूवमेंटम दिखाया। तो इस तरह से स्टॉक जो अपना लो बनाया, कभी भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। तो काफी स्टॉक्स सॉलिड है चार्ट पर। तो यहाँ पर हम वीकली चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए वीकली चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। जब आपका व्यू 6 मंथ का हो, 1 ईयर का हो या 1 ईयर से अधिक का हो, तो आप वीकली चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें, फंडामेंटली काफी जबरदस्त स्टॉक्स है। मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है, तो एक मिड कैप कंपनी है। और वहीं पर बात करें डिविडेंड का, डिविडेंड 0 है। कंपनी कोई भी डिविडेंड पे नहीं कर रही है, ग्रोथ पर ज्यादातर फोकस कर रही है। और बात करें कंपनी का बिजनेस का, तो लीडिंग प्लेयर है इंडियन मैट्रेस और फोम प्रोडक्ट इंडस्ट्री में। ये नेशन वाइड प्रेजेंस रखता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीयू फोम 1971 से ये कंपनी जो है अपना रिकॉर्ड रखती है इस इंडस्ट्री में। तो काफी बेहतरीन कंपनी का बिजनेस है। इंडिया जो कंट्रीब्यूट करता है 80% रेवेन्यू को, ऑस्ट्रेलिया कंट्रीब्यूट करता है 15% का और जो यूरोपियन यूनियन के कंट्री है वो 5% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से कंपनी का जो ज्योग्राफिकल वाइज है वो भी प्रेजेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मेजर रेवेन्यू इंडिया से ही आती है। अब इस कंपनी के अगर ब्रांड की बात करें, तो मेजर 3 ब्रांड है कंपनी का, स्लिपवेल, फीदर फोम और लैम फ्लेक्स। तो अगर इस 3 ब्रांड में से किसी को आपने यूज किया है और आपको काफी अच्छा लगा ये ब्रांड, तो आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। देखिए जिस प्रोडक्ट को हम पसंद करते हैं, जो प्रोडक्ट लगता है हमें पसंद है और औरों को भी पसंद है, तो निश्चित रूप से वो कंपनी लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन करने वाली है। क्योंकि जब प्रोडक्ट पसंद होगा कस्टमर को, तो वहीं से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी, वहीं से कंपनी प्रॉफिट अपना जनरेट करेगी। जब प्रॉफिट जनरेट होगा, प्रॉफिट में ग्रोथ होगा, तो निश्चित रूप से कंपनी के शेयर प्राइस में भी यहाँ आपको जबरदस्त ग्रोथ देखने मिलेगा। तो सिंपल सा ये लॉजिक है। तो इस कॉमन सेंस का हम उपयोग करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब बात करें यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.4%, प्रमोटर्स होल्डिंग 73% का है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी की बात करें 0.26 का डेट इक्विटी है, मतलब काफी कम डेट है कंपनी को, मात्र 328 करोड़ का डेट, जबकि रिजर्व 1261 करोड़ का रिजर्व है। तो रिजर्व काफी अच्छा खासा है कंपनी के पास। और नेट प्रॉफिट 259 करोड़ का। अगर हम बात करें कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ का, तो सेल्स देखिए 2012 में था मात्र 987 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो चुका है 2418 करोड़ का। तो काफी जबरदस्त जंप है सेल्स में। और वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो 8 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट था और काफी जबरदस्त रूप से यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जंप हुआ है, 238 करोड़ का हो चुका है मार्च 2021 में। तो इस तरह से देख सकते हैं जो कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ है काफी जबरदस्त है। अब वहीं पर बात करें कैश फ्लो का, कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें खास देखना होता है, मतलब जो बिजनेस एक्टिविटी है, तो काफी जबरदस्त रहा है और लगातार यहाँ पर कैश फ्लो जो है लॉन्ग टर्म में इंक्रीज भी हुआ है। अब यहाँ पर बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का, कंपनी में प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है अभी 72.95% है, जो कि अप्रॉक्स 75% के आसपास ही है। तो लगभग थोड़ा सा यहाँ पर पिछले 2 साल में डिक्रीज होता हुआ देखने मिला है प्रमोटर्स का होल्डिंग। ओवरऑल प्रमोटर्स का होल्डिंग काफी जबरदस्त है। तो ये काफी एक जबरदस्त स्टॉक है टेक्सटाइल सेक्टर से। अब देखिए हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है TCI, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। काफी जबरदस्त स्टॉक है।
अगर बात करें इस कंपनी का, तो 2020 के पैंडेमिक जो प्राइस था वो काफी नीचे था। देखिए यहाँ पर 125 रुपीज इसका प्राइस था 2020 के पैंडेमिक में, और वहां से काफी जबरदस्त इस स्टॉक ने तेज दिखाया और कभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर जो भी रैली हुआ उसके बाद जो लो बनाया है हम उस लो को ड्रॉ करते जा रहते हैं। आप देखिए लो जो बन रहा है वो हाइयर लो बन रहा है, तो जब प्राइस एक्शन पे हाइयर लो बनता है तो वो स्टॉक्स काफी सॉलिड होता है, वो टेक्निकल चार्ट पे काफी सॉलिड होता है, फंडामेंटल्स आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल चार्ट पे स्टॉक्स काफी सॉलिड है, और यहाँ पर फिर से अगर कोई मतलब अपना सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट बनाने के बाद फिर से ऊपर के रेंज को मतलब रेसिस्टेंस या जहां पर रिजेक्शन लिया है प्राइस उसको ब्रेक करता है तो फिर से काफी जबरदस्त तेजी हमें देखने मिल सकता है। लेकिन हम इन्वेस्टेड हैं तो स्टॉक को बाय करेंगे गिरावट में, जितना अधिक गिरावट में हमें स्टॉक्स मिले जो फंडामेंटली काफी सॉलिड स्टॉक्स हैं उतना बेहतर होगा। अब यहाँ पर देखिए TCI की हम बात करें, अगर हम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप मात्र 5,593 करोड़ का है, तो काफी कम मार्केट कैप है। और वहीं बात करें डिविडेंड का तो 0.35% का डिविडेंड यील्ड भी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.3%, ये भी अच्छा खासा है। कंपनी करती क्या है तो देखिए फ्राइट ट्रांसपोर्ट में है, सप्लाई चेन सॉल्यूशन में है, ट्रांसपोर्ट थ्रू सीवेज, सीवेज के तहत कंपनी जो है ट्रांसपोर्ट बिजनेस को करती है, और कंपनी के और भी कई सारे मतलब बिजनेस है इस ग्रुप में, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक ग्रुप ऑफ कंपनीज भी है इस मतलब कंपनी के पास। अब बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग, 66.5% प्रमोटर्स होल्डिंग है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी मात्र 0.10 है, तो डेट इक्विटी काफी कम है, मात्र 131 करोड़ का डेट है, जबकि नेट प्रॉफिट 229 करोड़ का है, और रिजर्व की बात करें 1,274 करोड़ का रिजर्व है, रिजर्व भी अच्छा खासा है कंपनी के पास। अब वही बात करें जो कंपनी का टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ है, टॉप लाइन ग्रोथ देखिए 2010 में 1,522 करोड़ का यहाँ पर सेल्स था जो कि लगातार बढ़ते चला गया, और 2021 में हो चुका 2,802 करोड़ का, तो काफी जबरदस्त सेल्स में ग्रोथ है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें 42 करोड़ का था जो कि लगातार बढ़ा है, और 147 करोड़ हो चुका है 2021 में, तो टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ काफी जबरदस्त। कैश फ्लो की बात करें, कंपनी का कैश फ्लो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव रहा है, और लॉन्ग टर्म में कैश फ्लो में काफी जबरदस्त यहाँ पर इंक्रीज देखने मिला है। अब देखिए यहाँ पर इन्वेस्टर सेक्शन की बात करें, प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है 66.54 है जो कि लगभग कांस्टेंट है, कभी भी पिछले 2 साल में प्रमोटर्स के स्टेक में कोई खास गिरावट नहीं हुआ है, तो प्रमोटर्स का जो बिहेवियर है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स देखना, कंपनी के ऊपर डेट देखना, प्रमोटर्स का होल्डिंग देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पे ये स्टॉक्स काफी सॉलिड तो है ही। उसके बाद तीसरी जो कंपनी है वो है CCL प्रोडक्ट, काफी बेहतरीन ये कंपनी है, प्लांटेशन सेक्टर मतलब टी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, और देखिए इस कंपनी का भी 2020 के पैंडमिक से अगर चार्ट देखें तो काफी जबरदस्त रहा है, मतलब चार्ट पे ये स्टॉक्स भी काफी सॉलिड है। यहाँ पर देखिए जो पैंडमिक में इसका लो था वो था 138 रुपीज, और वहां से प्राइस हाई बनाया, हाई बनाने के बाद फिर से जो लो बनाया वो लो ब्रेक नहीं हुआ, मतलब जो प्राइस यहाँ पर लो बनाया वो तो काफी ऊपर बनाया, नीचे भी प्राइस में कोई खास गिरावट नहीं आया, फिर यहाँ पर जो यहाँ पर लो बना तो मतलब जो सपोर्ट रीजन बना वो है 353 रुपीज, तो इसे भी अगर स्टॉक यहाँ पर ब्रेक करता है मतलब प्राइस चार्ट अगर ब्रेक करता है तो हमें अगर इस प्राइस को भी अगर मतलब इस सपोर्ट को भी अगर ब्रेक करता है तो हमें एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकता है, जिस गिरावट में हम इस स्टॉक को बाय करते हैं। लेकिन चार्ट पे स्टॉक्स काफी सॉलिड है, और चार्ट मैंने यहाँ पर वीकली लगाया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको वीकली चार्ट को ही फॉलो करना है, वीकली चार्ट पे जब कोई स्टॉक्स वीक दिखाई दे तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या आपके अगेंस्ट गया तो वहां पर स्टॉप लॉस आप अपना बुक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेक्निकल चार्ट मैंने देख लिया, चार्ट पे ये स्टॉक्स काफी सॉलिड है अभी 2020 के पैंडेमिक से। अभी इस कंपनी की अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप मात्र 5,336 करोड़ का है, डिविडेंड 1% का है, डिविडेंड काफी शानदार है, और बात करें यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.1%। यहाँ पर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है वह है प्रोडक्शन ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉफी, और कंपनी का जो है इंडिया में वियतनाम स्विट्जरलैंड में बिजनेस है, साथ साथ कंपनी 90+ कंट्रीज में जो मैन्युफैक्चर है कॉफी का उसे अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करती है, और 89% जो रेवेन्यू आता है मतलब सेल्स होता है कंपनी का वो एक्सपोर्ट बिजनेस में होता है। देखिए कंपनी का ज्योग्राफिक वाइज कितना
मतलब बिजनेस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जोग्राफिकल वाइज। और यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो काफ़ी कम डेट है, मात्र 484 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। अगर डेट इक्विटी की बात करें मात्र 0.42% है, मतलब जितना कंपनी के पास इक्विटी है उसका मात्र 42% डेट है, तो काफ़ी कम डेट है कंपनी के ऊपर। जबकि नेट प्रॉफिट 189 करोड़ का है, ये एनुअल प्रॉफिट है। और रिजर्व कंपनी का 1,435 करोड़ का है, तो कंपनी का जो रिजर्व है अच्छा खासा है। अगर हम टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें, सेल्स देखिए 2010 में था 437 करोड़ का, जो कि बढ़कर गया हो गया 21 में 1,242 करोड़ का। और बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट का, 28 करोड़ से बढ़कर के हो गया 182 करोड़। तो जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, कंपनी का सेल्स भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। अब बात करें कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी का हमेशा पॉजिटिव रहा है, और लॉन्ग टर्म में कैश फ्लो भी इंक्रीज हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। और बात करें वही इन्वेस्टर सेक्शन का, तो जो इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग है 46% के आसपास है, और यहाँ पर प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ाया है 2020 में। तो 2020 में प्रमोटर्स अपना खुद स्टेक बढ़ा रहा है अपनी कंपनी में, तो कितना सॉलिड ये कंपनी होगा आप जान सकते हैं। तो ऐसे कंपनी में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगला स्टॉक है CDSL। CDSL काफी जबरदस्त स्टॉक्स है, जो भी हम शेयर बाय करते हैं वो एक मतलब जो है डीमैट अकाउंट है उसमें डिपॉजिट होता है, तो वो या तो CDSL के पास है या NSDL के पास है। तो ज़्यादातर जो अकाउंट है डीमैट अकाउंट वो CDSL के पास है। तो आप जैसे किसी भी ब्रोकर से अकाउंट खुलवाते हैं अपना डीमैट अकाउंट, तो या तो CDSL के पास खुलेगा या NSDL। तो यहाँ पर जो है 2020 के पैंडमिक के बाद जागरूकता काफ़ी बढ़ा है, और ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इन्वेस्टिंग के बारे में सीख रहे हैं यहाँ पर। तो आप जब इन्वेस्ट करेंगे आपका जो शेयर है इसी कंपनी के पास रहेगा या तो NSDL के पास रहेगा। तो ये स्टॉक्स भी, ये कंपनी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। जितना इन्वेस्टर बढ़ेगा उतना इस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, जो कि आपको शेयर प्राइस में भी दिख रहा है। देखिए पैंडेमिक में जो गिरावट में स्टॉक था 200 रुपीज़ के नीचे मिल रहा था, और अभी ये स्टॉक्स अपना हाई लगा चुका है 1,620 रुपीज़ का। तो वहाँ से देखिए 8 times का यहाँ पर जो है प्राइस जा चुका, 8 times। तो कितना ज़बरदस्त आपका रिटर्न है। यहाँ पर बात करें तो एक बार यहाँ पर थोड़ा सा बीच में गिरावट भी हुआ था, लेकिन ये गिरावट उतना बड़ा नहीं था कि आप इसमें एग्जिट कर जाए। ओवरऑल ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक्स फॉलो कर रहा है। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है, इस ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक्स फॉलो कर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन काफी जबरदस्त है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता है तब तक ये स्टॉक्स टेक्निकल चार्ट पे वीक नहीं होगा। अब देखिए टेक्निकल चार्ट पे हमने देख लिया, टेक्निकल चार्ट पे तो ये स्टॉक्स सबसे जबरदस्त है। जो भी 4 स्टॉक्स मैंने पीछे देखा था उसमें कहीं ज्यादा ये स्टॉक्स बेहतरीन है पिछले 3 स्टॉक से। अब यहाँ फंडामेंटल्स देख लेते हैं, तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और कंपनी करती क्या है ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। आप जो डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे वो CDSL के पास रहेगा या NSDL के पास रहेगा। कंपनी बिजनेस क्या करती है इसके बारे में पहले ही बोल दिया, कंपनी डीमैट अकाउंट खुलवाती है तो जो स्टॉक्स बाय करते हैं वो डीमैट अकाउंट में आता है, उसी अकाउंट को ये मैनेज करती है कंपनी। और डेफिनेटली बात करें 0.57% का रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड काफी जबरदस्त है, 32.4, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं काफी जबरदस्त। प्रमोटर्स होल्डिंग मात्र 20%, एक कंसर्न है यहाँ पर, प्रमोटर्स होल्डिंग काफी कम है, प्लीज परसेंटेज 0 है, कोई भी डेट कंपनी के ऊपर है ही नहीं, मात्र ये 24 लाख रुपया का डेट है, जो कि एक बहुत ही मामूली डेट है जो कंपनी कभी दे सकती है। नेट प्रॉफिट 255 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है, काफी जबरदस्त। रिजर्व 827 करोड़ का है, ये भी काफी जबरदस्त है। अब बात करें यहाँ पर प्रॉफिट लॉस मतलब टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ का, देखिए 2010 में सेल्स था 104 करोड़ का, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है, मतलब बीच में डिक्रीज भी हुआ लेकिन लॉन्ग टर्म में हम बात करें तो इंक्रीज हुआ है। यहाँ 344 करोड़ का सेल्स हो चुका है 2021 में। अब यहाँ पर देखें नेट प्रॉफिट, तो 2010 में था 49 करोड़ का, लेकिन यहाँ पर कुछ खास इंक्रीज देखने नहीं मिला कब तक, 2015 तक। लेकिन 2015 के बाद क्योंकि जियो आया तो ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में। जब देखिए यहाँ पर एजुकेशन बढ़ा तो कितना शार्प मतलब यहाँ पर प्रॉफिट में तेजी देखने मिला, बहुत ही तेज प्रॉफिट यहाँ पर जंप हुआ, और 200 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट पहुंच चुका है 2021 में। इस तरह से देख सकते हैं जब एजुकेशन बढ़ता है तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग भी बढ़ रहा है, तो जैसे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग बढ़ेगा निश्चित रूप से कंपनी काफी बेहतरीन करने वाली है। अब कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर देखिए कैश फ्लो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव रहा है, और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर
कैश फ्लो काफी ज्यादा इंक्रीज भी हुआ है। अब इन्वेस्टर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो थोड़ा सा इन्वेस्टर सेक्शन के बारे में है इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, तो कहीं और से आप इसके बारे में इन्वेस्टर सेक्शन के बारे में देख सकते हैं, प्रमोटर्स कौन है, प्रमोटर्स में किसका कितना स्टेक है, क्योंकि ये कंपनी न्यू लिस्टेड है तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कम उपलब्ध है। अब देखिए चार स्टॉक्स आपने देख लिया, पांचवा स्टॉक्स टीसीआई एक्सप्रेस, ये भी टीसीआई ग्रुप की ही कंपनी है, टीसीआई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपने देख लिया, टीसीआई एक्सप्रेस उसी ग्रुप की कंपनी, ये भी काफी जबरदस्त है। देखिए टेक्निकल चार्ट पे ये भी काफी सॉलिड है, और हम यहाँ पर ड्रॉ करते देखिए इसके लो को, तो ये यहाँ पर लो बनाया 2020 के पैंडेमिक में 460 रुपीज का, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर जो गिरावट आया तो यहाँ पर जो लो बना देखिए यहाँ पर लो बना 820 रुपीज का, फिर यहाँ से काफी जबरदस्त मूवमेंट है, फिर जो यहाँ पर लो बना वो बना 1280 रुपये का या 1285 रुपये का है, तो ये भी लो देखिए हमेशा हाईअर लो बना रहा है, तो हाईअर लो बनाने का मतलब हुआ कि स्टॉक्स काफी सॉलिड है, जैसे हाईअर लो बन रहा है तो जैसे यहाँ पर रिवर्सल का साइन मिलता है तो आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते थे, और जैसे आप वेट करते निश्चित रूप से यहाँ पर आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलता, तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक के साथ कभी भी आप गिरावट में निवेश कर सकते हैं, तो ये पांच बेहतरीन स्टॉक्स थे। अब यहाँ पर टीसीआई एक्सप्रेस करती क्या है इसके बिजनेस को देख लेते हैं। अब देखिए टीसीआई एक्सप्रेस का अगर फंडामेंटल्स और बिजनेस की बात करें तो 7690 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब ये कंपनी भी एक स्मॉल और मिड कैप कंपनी के बीच की कंपनी है, डिविडेंड यील्ड 0.20% का है, डिविडेंड यील्ड भी काफी कम है। अब देखिए ये एक्सप्रेस कार्गो है, मतलब आपका बिजनेस है तो आप अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, इस कंपनी के जो बड़े बड़े व्हीकल है जो कार्गो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंपनी के बड़े बड़े कार्गो है जिसके द्वारा जिसपे आपको टीसीआई एक्सप्रेस लिखा हुआ मिलेगा, इसके तहत आप जो है अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह भिजवा सकते हैं अपने बिजनेस में, मतलब आपकी भी कोई कंपनी है या कोई भी मतलब बड़ा। अब यहाँ पर दूसरी बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का, 66.7% प्रमोटर्स होल्डिंग है, कोई शेयर प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी काफी कम है, मतलब बिल्कुल डेट इक्विटी जीरो है, कंपनी ऊपर मात्र 1,60,00,000 का डेट है जो कि काफी मामूली है, नेट प्रॉफिट 134 करोड़ का, रिजर्व 479 करोड़ का, 479 करोड़ का यहां पर रिजर्व है कंपनी का, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन दिख रही है। टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर सेल्स 2017 में था 750 करोड़ का जो कि बढ़ करके हो गया 2021 में 844 करोड़ का, नेट प्रॉफिट हो गया 37 करोड़ का जो कि बढ़कर हुए 121 करोड़ का, तो प्रॉफिट मतलब टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ काफी जबरदस्त है। अब बात करें कैश फ्लो का, तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो है 2016 में तो निगेटिव था, 17 में हो गया 52 करोड़ का और लगातार यहाँ पर बढ़ते चला गया, 2021 में हो गया 119 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, तो कैश फ्लो भी इंक्रीज हुआ है। अब बात करें इन्वेस्टर सेक्शन का, तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टर से प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है 66.97% मतलब लगभग कांस्टेंट है, तो प्रमोटर्स होल्डिंग में कोई खास चेंज नहीं आया है, प्रमोटर्स का बिहेवियर हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफी मायने रखता है। तो ये पांच बेहतरीन स्टॉक्स थे जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन याद रहे एक स्मॉल कैप स्टॉक्स है तो जितना अधिक आपको इसमें रिटर्न मिलने का चांस है उतनी अधिक इसमें रिस्क भी है। सारे स्टॉक्स जब आपको किसी भी गिरावट में जैसे मार्केट कभी क्रैश होता है आपको 30% 40% यहाँ के 50% से भी ज़्यादा गिरते हुए देखने मिलेंगे, तो ऐसे में आपका जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इस स्टॉक में, तो वोलेटिलिटी को मेंटेन करके तभी आप इसमें निवेश कर सकते हैं, तो जब गिरावट मिलता है रिवर्सल का साइन मिलता है फिर से तब आप निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो।